पाकिस्तान चैंपियंस कप जो है, जो कि धोखा कप है, इसको आपने लॉन्च करना है। इसके बारे में आपने बोला था कि आपको मीडिया पे आके आपने बोला था कि इस कप के बाद आपको, आप देखिएगा रिप्लेसमेंट्स कैसे मिलती हैं। हमारे पास जो है डाटा अवेलेबल नहीं था, बोला गया अब इससे हम जो है ना डाटा कंट्रोल करेंगे, डाटा को मॉनिटर करेंगे, और आप देखिएगा हर इंसान के पीछे 5-5 रिप्लेसमेंट्स होती हैं। तो ये बड़े बड़े दावे इस अवाम से किए गए इस पाकिस्तान कप के, चैंपियंस कप के बारे में, जिसकी वजह से आपने अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था, बच्चों का जो था, वो ख्वाब, आपने वो ख्वाब को भी तोड़ा है। अब ये जो टूर्नामेंट है ये उससे भी बड़ी बर्बादी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये जो हमारे मेंटोर्स या ये जो जिन 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 जो थर्ड क्लास क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बोर्ड को ये जो एडवाइस दी थी ना कि यार ये टूर्नामेंट करवाते हैं, वो एडवाइस बेसिकली इन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए की थी कि हम मेंटोर बन जाएंगे, हमें नोट मिल जाएंगे, हमें 50-50 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, बाढ़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, 50-50 लाख रुपए महीने का 50-50 लाख रुपए। दरअसल सभी क्रिकेटर्स का रोना धोना काफी हद तक ठीक है। मुझे भी डर इस बात का लग रहा है कि अगर इस चैंपियंस कप से हमने डिसाइड करना है कि हमारा मुस्तकबिल कैसे होना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कैसे करनी है, ये सब होने हैं, तो मामला बड़ा खराब है। उसकी वजह यह दोस्तों कि एक पिच वैसी है, दूसरी बॉलिंग क्वालिटी वैसी है, हर टीम के अंदर एक आधा अच्छा बॉलर तो है। जैसे आप रिजवान की टीम में देख लें, उसमें नसीम शाह वो बॉलर हैं जो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, अगर शाह नवाज धानी भी उसमें खेलते हैं और भी एक आधे हैं, बट वो मजेदार नहीं रहता। और पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स देख लें, 3 खेले हैं, अगर हम कल की मैच की बात करें, उसामा खेले हैं, जाहिद खेले हैं, शदाब खान खेले हैं, इनमें से कोई एक जो आपको थोड़ा सा बेहतर लगे। फिर एक मुबसर खान है जो स्पिन ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर है, साथ स्पिन करते हैं, वो ए टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कोई उनसे खास उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान धोखा कब आज शुरू होने से पहले ही एक्सपोज हो गया, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी हाइप बना के रखी थी, जिसके लिए आपने रेड बॉल का टूर्नामेंट इग्नोर किया क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, आपने ये कप लेके आया जिसकी वजह से आपने वो हार छुपाने की कोशिश की अपनी वर्ल्ड कप की, जिससे आपने जो है ना बांग्लादेश की हार छुपाने की कोशिश की, और 5 हाई प्रोफाइल कोचेज आप लेके आए जिनको आपने जो है ना 50 लाख महाना पे रखा है, और इतनी हेफ्टी सैलरीज पे रख के आपने पूरे निज़ाम को धर्म भरम कर दिया, और आपने कहा कि ये पाकिस्तान चैंपियंस कप जो है, जो कि धोखा कप है, इसको आपने लॉन्च करना है। इसके बारे में आपने बोला था कि आपको मीडिया पे आके आपने बोला था कि इस कप के बाद आपको, आप देखिएगा रिप्लेसमेंट्स कैसे मिलती हैं। हमारे पास जो है डाटा अवेलेबल नहीं था, बोला गया अब इससे हम जो है ना डाटा कंट्रोल करेंगे, डाटा को मॉनिटर करेंगे, और आप देखिएगा हर इंसान के पीछे 5-5 रिप्लेसमेंट्स होती हैं। सिर्फ हम लोग ये कहते थे जी पीएसएल खिलाओ, लोगों के सामने आए, लोगों के सामने परफॉर्म करो, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, ये है वो है। हालांकि पीएसएल के अंदर टॉप के प्लेयर्स, टॉप के मतलब यानी मैं करंट प्लेयर्स ओवरसीज की बात नहीं कर रहा, वो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, जो रिटायर भी हो चुके हैं या जो अभी स्टिल खेल रहे हैं लेकिन अपनी टीम से जो है वो खेल नहीं रहे, उन प्लेयर्स के साथ, उन कोचिंग स्टाफ के साथ हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। उसके बावजूद भी जो पीएसएल की सिलेक्शन होती थी वो उनको सिलेक्ट करते थे और वो बर्बाद हो गई पाकिस्तान टीम। अब ये जो टूर्नामेंट है ये उससे भी बड़ी बर्बादी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये जो हमारे मेंटोर्स या ये जो जिन 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 जो थर्ड क्लास क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बोर्ड को ये जो एडवाइस दी थी ना कि यार ये टूर्नामेंट करवाते हैं, वो एडवाइस बेसिकली इन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए की थी कि हम मेंटोर बन जाएंगे, हमें नोट मिल जाएंगे, हमें 50-50 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, बाढ़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, 50-50 लाख रुपए महीने का 50-50 लाख रुपए। और सुनने में ये आया है, अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर कर सकता है इस चीज़ के ऊपर, हमारे भी ज़राए ने बताया है कि ये जो 50-50 लाख जो मैं कहता हूँ इनका लेवल ही नहीं है कि इनको 50 लाख रुपए महीना दिया जाए। दरअसल सभी क्रिकेटर्स का रोना धोना काफी हद तक ठीक है। मुझे भी डर इस बात का लग रहा है कि अगर इस चैंपियंस कप से हमने डिसाइड करना है कि हमारा मुस्तकबिल कैसे होना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कैसे करनी है, ये सब होने हैं,
तो मामला बड़ा खराब है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि एक पिच वैसी है, दूसरी बॉलिंग क्वालिटी वैसी है, हर टीम के अंदर एक आधा अच्छा बॉलर तो है। जैसे आप रिजवान की टीम में देख लें, उसमें नसीम शाह वो बॉलर हैं जो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, अगरचे शाहनवाज धानी भी उसमें खेलते हैं और भी एक आधे हैं, बट वो मजेदार नहीं रहता। और पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स देख लें, तीन खेले हैं, अगर हम कल की मैच की बात करें, उसामा खेले हैं, जाहिद खेले हैं, शदाब खान खेले हैं, इनमें से कोई एक जो आपको थोड़ा सा बेहतर लगे। फिर एक मुबसर खान है जो स्पिन ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर है, साथ स्पिन करते हैं, वो ए टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कोई उनसे खास उम्मीद नहीं है। कल एक अब्दुल समद एक नए आए हैं जिन्होंने थोड़ी कि अच्छी इनिंग खेली, और लोग कहते हैं वो ऑलराउंडर हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। मैंने उनका फर्स्ट क्लास करियर चेक किया तो सिर्फ एक विकेट है उनकी, तो ऑलराउंडर तो वो है नहीं, वो बैट्समैन है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की फैसलाबाद की पिच के ऊपर छक्के मारने वाला क्या इंटरनेशनल मेयार पर पूरा उतर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़े बड़े दावे इस अवाम से किए गए इस पाकिस्तान कप के, चैंपियंस कप के बारे में, जिसकी वजह से आपने अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था, बच्चों का जो था वो ख्वाब, आपने वो ख्वाब को भी तोड़ा है इस कप की वजह से। अब देखते हैं कि ये कप की जो जितने बड़े बड़े आपने दावे किए हैं इस कप के बारे में, क्या ये वाकई ये रियलिटी है या ये अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। पहले तो आपको ये बता दें जो लोग हमें देखते हैं कि ये कोई चैंपियंस कप नहीं है, ये वही पेंटेंगुलर कप है जो पहले भी होता था, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया है, इसके साथ पांच लोग लगा दिए हैं। वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं, पीसीबी चाहता है कि ये लोगों पे सारा क्रिटिसिज्म हो, पीसीबी तक के आगे एक वॉल दीवार खड़ी हो जाए। ठीक है, ऐसी ही चीजें करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अहमद शहजाद और तनवीर अहमद पाकिस्तान कप से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कहना है कि इस पाकिस्तान कप से पाकिस्तान क्रिकेट को कोई भी फायदा नहीं होगा। ये वही टूर्नामेंट है जो कि पहले भी चलते आ रहे हैं, इनको हाइप लाने के लिए इनका नाम चेंज कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको फिर से पेश किया। पाकिस्तान के अंडर 19 के टूर्नामेंट इस चैंपियंस कप के कारण कैंसिल किए गए, जहां पर इन दोनों का कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई टूर्नामेंट करवाना था तो वो रेड बॉल में करवाते, क्योंकि पाकिस्तान की हालत रेड बॉल में इतनी बुरी है कि कोई भी टीम उनको आकर घर पे हरा जाती है। पर इस तरह का टूर्नामेंट कराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं होगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।